हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। जैसे दोस्तों आपको पता है, जो ब्रेजा है उसमें स्मार्ट आई बर्ड आता है, एक बैटरी है जो को ड्राइवर साइड वो आती है। तो आज हम समझेंगे जो MID में उसका क्या फीचर है, कैसे वो वर्क करता है, कैसे वो काम करता है। तो आज स्मार्ट आई बर्ड को हम अपनी MID में देखेंगे कि कब वो अपनी पावर है जो वो इन अपने पहियों को देता है, व्हील को देता है, और कब व्हील है जो अपनी पावर बैटरी को देता है। जो बैटरी है दोस्तों, इसमें माइल्ड हाइब्रिड है जो ये, या स्मार्ट हाइब्रिड बोल सकते हो आप। तो जो उसकी बैटरी है वो आपको भी पता है, जो ये को ड्राइवर साइड है यहाँ पे इसके सीट के नीचे रखी है। तो वो हम देखेंगे कि वो कैसे काम करती है और कैसे नहीं। और दूसरी बात क्या है कि जो बैटरी है उसको हमें चार्ज भी नहीं करना पड़ता। जैसे हम एक्सीलेटर छोड़ते हैं, एक्सीलेटर से पैर हटाते हैं, वैसे ही अपनी जो बैटरी है वो चार्ज होने शुरू हो जाती है। तो ये जो फुल फीचर है वो सिटी के अंदर ज़्यादा है। हाईवे पे तो हम ब्रेक वगैरह लेते नहीं इतने, तो वहाँ पे इतनी बेनिफिट नहीं है। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे होगे जो राइट हैंड साइड में बैटरी का एक साइन है, क्योंकि मैंने अभी इंजन नहीं स्टार्ट किया। जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, अभी मैं जैसे गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, अभी मैं दोस्तों जैसे गाड़ी स्टार्ट की मैंने, ये आपका इंजन का जो है साइन आ गया। ये लेफ्ट हैंड में इंजन का साइन है। मैं अगर आपको बताऊं, ये देखिए, ये इंजन का साइन है, ये व्हील का साइन है, और ये बैटरी का साइन है। तो आज हम MID में समझेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये काम करता है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और आपको मैं दिखाता हूँ कि जो स्मार्ट हाइब्रिड है वो कैसे, जो न्यू ब्रेजा है, ब्रेजा में कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे मैं गाड़ी को उठाता हूँ तो ये जैसे चलनी स्टार्ट होगी, और इंजन है जो, जब तक आप क्लच को आपसे ज़्यादा क्लच को छोड़ोगे नहीं, जब तक आपका गियर है जो शिफ्टिंग नहीं दिखाएगा। तो ये देखिए, इंजन से जो पावर है वो देने लग गया, जो इंजन है वो व्हील्स को पावर दे रहा है इस टाइम। मैं आपको बैटरी के बारे में बता देता हूँ। बैटरी की जो गारंटी है कंपनी देती है दोस्तों, वो 5 साल की देती है और 1 लाख किलोमीटर तक की देती है। और मैं अगर खर्चे की बात करूँ तो ये 75,000 तक का खर्चा आएगा इसको चेंज करवाने में। तो अभी देखते हैं आगे की वीडियो कि ये काम कैसे करता है। अभी थोड़ा मैं इसको डिटेल में समझाऊँगा, गाड़ी चलाते हुए इसको दिखाना, स्टिक दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ आप मेरी थोड़ा सिचुएशन को समझिए और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं आगे। अब जैसे मैं इस पे रेस पे पैर रखता हूँ, तो ये देखिए दोनों तरफ से जो पावर है वो व्हील्स में आने लगी। अब जैसे हम फोर्थ गियर करेंगे, तो अगर मैं अभी भी थोड़ी रेस देने की कोशिश करूँ, जैसे मैं एक्सीलेटर को ज़्यादा दब प्रेस करूँगा, वैसे ही ये बैटरी और जो इंजन है दोनों पावर देने लग गया। आप देखिए, जैसे मैं फोर्थ गियर करूँगा फिर ये इंजन इंजन पे शिफ्ट हो जाएगा, बैटरी का कोई रोल नहीं रहेगा। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे हम फोर्थ गियर में चल रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि इंजन है जो वो पावर दे रहा है व्हील्स को। अभी जैसे मैं अभी एक्सीलेटर से पैर उठाऊंगा, जैसे मैंने एक्सीलेटर से पैर उठाया, ये देखिए व्हील है जो वो बैटरी को चार्ज करने लगा। अब जैसे मैं एक्सीलेटर दूंगा तो ये देखिए दोबारा जो इंजन है वो व्हीलों को पावर देने लग गया। अब जैसे मैं मान लो इसको दोबारा फिर एक्सीलेटर से पैर उठाऊंगा इसका, जैसे एक्सीलेटर से पैर उठाता हूँ अभी अभी ये देखिए, तो जैसे ही एक्सीलेटर से पैर उठाता हूँ तो ये बैटरी है जो वो रिचार्ज होने लग जाती है, चार्ज होने लग जाती है। अब ये देखिए, जैसे हम स्लो स्पीड करेंगे, जैसे बिल्कुल स्लो कर लूंगा मैं, एक्सीलेटर से बिल्कुल पैर हटा लूंगा, तो अब देखिए ये ना तो पावर दे रहा है ना वो, और ये सेकंड गियर के लिए बोल रहा है अभी हम सेकंड गियर लगाएंगे, तो अब देखते हैं ये क्या करेगा। अभी देखिए ये इंजन है जो व्हील में पावर दे रहा है, पावर जनरेट कर रहा है, लेकिन जो व्हील है वो अपने पावर नहीं दे रहे बैटरी को। लेकिन अगर हमें बैटरी से पावर लेनी है तो उसके लिए ये क्या करेंगे, जैसे अभी आप देख पा रहे होगे, ये देखिए अभी सेकंड गियर में ही मैंने थोड़ी तेज भगाई गाड़ी, जैसे तेज भगाई तो ये देखिए बैटरी भी उसको पावर देती है और इंजन भी पावर देता है, जिससे कि आपका जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी बढ़ती है, प्लस गाड़ी जो गाड़ी है आपकी वो भी नहीं रुकती। मतलब ऐसा है ना कि छोटे जैसे बड़े गियर में अगर आपकी स्पीड कम है तो कई गाड़ियां हैं वो रुक जाती हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। जैसे आप
अभी मान लो मैं थर्ड गियर लगाऊं या रेस जो ज्यादा, तो ये देखिए ये बैटरी अपना काम स्टार्ट कर देती है, जो बैटरी है वो अपनी पावर देना शुरू कर देती है इन व्हील्स को, और इंजन से तो आता ही है। अब आप जैसे देख पा रहे होगे ये हम चल रहे हैं जैसे, तो ये इंजन है वही पावर दे रहा है अभी। अब जैसे थर्ड गियर मांग रहा है ये, तो हम थर्ड गियर लगा देते हैं, लेकिन अगर मैं यहीं से अगर इसको फोर्थ गियर लगाऊं, अगर मैं मान लो जैसे अभी गाड़ी चल रही है और इसमें मैं फिफ्थ गियर लगाता हूँ, मान लो बाई चांस अभी देखो जैसे स्पीड है वो 20-30 के आसपास है, 20-30 के आसपास है, तो मैं अभी यहाँ से गियर है वो फिफ्थ लगाऊंगा डायरेक्ट, तो फिर देखेंगे कि ये क्या करेगा, कितनी पावर देगा कितनी नहीं देगा वो देखेंगे। अभी जैसे मैं फिफ्थ गियर लगा रहा हूँ, जैसे मैंने फिफ्थ गियर लगाया तो अब ये देखिए ये फोर्थ मांग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा एक्सीलेटर देता हूँ, जैसे एक्सीलेटर दिया तो ये बैटरी है जो वो पावर देने लगी व्हील को, और आपकी जो गाड़ी है वो तेज भागने लगी, पावर की मतलब कमी नहीं उसको लगी कि भाई पावर की कमी है, तो गाड़ी जैसे दबती है दब जाती है गाड़ी कि भाई लोड मान जाती है कि भाई बड़ा गियर है और रेस कम है, रुक नहीं सकती गाड़ी, ये बैटरी है आपका पूरा साथ देती है। और जैसे ही आप एक्सीलेटर छोड़ते हो तो ये देखिए एक्सीलेटर छोड़ते ही ये दोबारा रिचार्ज होने लग जाती है, रिचार्ज हो जाती है बैटरी। तो जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे या एक्सीलेटर से पैर, जैसे ही आपका एक्सीलेटर से पैर उठेगा वैसे ही ये चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। इसका ये कुछ ऐसा काम है दोस्तों माइल्ड हाइब्रिड का। अब जैसे ये थर्ड गियर में चल रही है और मैं जैसे ही एक्सीलेटर से पैर छोड़ूंगा, जैसे मैंने एक्सीलेटर से पैर छोड़ेंगे देखिए व्हील से बैटरी चार्ज हो रही है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसा सिस्टम है इसका, बैटरी और जो अपना इंजन है इनका ऐसा कम्बिनेशन है व्हील के साथ। तो ये देखिए ये जैसे आप कभी भी देखोगे तो आप जैसे इसका मेन, अभी मैं आपको निष्कर्ष बता देता हूँ कि कैसे ये काम करता है, आपने ये देख तो लिया, अभी मैं आपको थोड़ा वर्डिंग में बता देता हूँ हल्का सा, जिससे आपको थोड़ा पता लग जाए कि ये काम कैसे करता है। जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों कि जैसे गियर आपका बड़ा है और जो रेस है एक्सीलेटर है वो कम है, तो आपकी जो गाड़ी है वो बंद नहीं होगी, आप अगर थोड़ा सा भी जैसे बड़े गियर में भी एक्सीलेटर अगर दोगे तो जो बैटरी है वो अपनी पूरी जान लगा देगी इंजन के साथ मिलकर आपके गाड़ी को मूव करने में। तो ये कुछ ऐसा है दोस्तों। और दूसरा है जैसे ये चार्ज अपने आप होती है, जैसे आप एक्सीलेटर से पैर हटाओगे, जैसे ही आपने एक्सीलेटर से पैर हटाया तो आपकी जो गाड़ी है, जो गाड़ी में जो बैटरी लगी हुई है जो इंजन को हेल्प देती है गाड़ी को मूव करने में, तो वो आपका साथ के साथ चार्ज हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी दोस्तों। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कीजिए जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम।